ये हमारा भांजा, ये फैगन सरों के तरफ से दीदी दरगाह पे बाबा बाजे पुल पे रहते, उनका ऑटो चला रहे थे। उनको तो 1 साल से पैसे लिए हुए थे, खाली फाइनेंस फाइनेंस बन रहे उनकी, उनका पासपोर्ट, उनका लाइसेंस, उनका जो सो आधार कार्ड सब जो सो बाबा बाजे का नहीं रखे हुआ है। उन पैसे जो लेके जाओ बोल के उसके ऊपर जुलूम कर रहे थे। मैं कल 4 बजे 3 बजे के टाइम पे जो सो बड़े कब्रस्तान में बारकस के फांसी ले लिए। कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, IG साहब से जो सो मेरी रिक्वेस्ट है, ये फाइनेंसरों का कुछ तो भी करिए आप। ये फाइनेंसर गरीबों का खून चूस ले रहे हैं। उन्हें आज हमारा बच्चा मरा, कल दूसरों के घर का बच्चा भी मर सकता है। ये चीज़ों से अपना कुछ एक्शन ले रहे हैं। ये तेलंगाना की हुकूमत भी है, फाइनेंसर वाले जो सो लोग के खा ले रहे हैं गरीबों का। ये प्राइवेट फाइनेंस वाले है साहब, ये प्राइवेट फाइनेंस वाले है ये जी। अब जो सो बच्चा पासपोर्ट पूछने गया तो मैं तुम्हारे गाड़ी के पेपर दूसरे आदमी का रखा के तुम्हारे को पैसे दिलाया, वो पेपर ला के गए, पासपोर्ट ले लेके जाओ। 1 साल से जो है तो पैसे बन रहा है उसको, 1 साल से 30,000 रुपये उसके नहीं पिटे अभी तक। कितने पैसे लिए थे सर? 30,000 रुपये लिए थे, अभी तक उसके 30,000 नहीं पिटे, उल्टा 80,000 रुपये का डाल दिए उसको। तो इंटरेस्ट 80,000 रुपये पे करे? 80,000 रुपये देना है बोले बात नहीं। अच्छा, 80,000 रुपये देना है बोल के बात नहीं कर लिए। कल सकल साहब जो है उनके जेब में से चिट्ठी निकाले, पूरा जो है तो चिट्ठी पे अब्दुल्ला बाजक के नाम से लिखी हुई है। जुलम करने से जो है ऐसा हुआ। अब हम आकने जो है उन्होंने बहुत दिनों से ससुराल में थे, ये ससुराल वाले देख ले रहे थे बेचारे लोग कर ले रहे थे। उनके घर पे भी जाके जो है सो हमारे सब के सालों को जो है सो हमारे भोने साहब ये घर बता के पैसे लिए बोल के भी जुलम कर रहे उन पर। उसको कहीं रहने दे रहे थे ना, कहीं जीने दे रहे थे बाबा मियाँ। बच्चा क्या काम करते सर? बच्चा ऑटो चला रहा था उनका, बाबा बाजे कने ऑटो आए, उन ऑटो देते किराए उन पर, किराए से चलाते ऑटो, किराए से चलाते। उन्होंने जो है सो पैसे दिलाए थे कहते फाइनेंस से या उन्होंने दिए थे फाइनेंस से नहीं मालूम। बच्चा जो है सो गया पासपोर्ट लेने के वास्ते, तो बाहर जाने वाला था बच्चा जी, पासपोर्ट के वास्ते बात करने गया, बाहर जाके पैसे पैसे बोल के बुला दो। तो उन्होंने बोले मेरे गाड़ी के पेपर ला के दो, आपका पासपोर्ट लेके जाओ जी। तो नहीं वो उसमें जो टेंशन में वो टाइम पे क्या फांसी लिए सब, क्या डिप्रेशन में थे उन्होंने, क्या थे नहीं मालूम। ये फाइनेंसर कहाँ के है सर? ये पीली दरगाह के बारकस, पीली दरगाह है ना, वहाँ रहते हैं। उनके ऑटो आए गए थे, 20-30 ऑटो आए गए थे उनके, ऑटो लोग चलाते हैं ऐसे, कुछ जने ऑटो वाले फंसे हुए उनके पास। नाम क्या है सर? बाबा बाजेक। बाबा बाजेक। उन्हें आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हुकूमत से, तेलंगाना की हुकूमत से, DCP साहब से, कमिश्नर साहब से, कि इसके वास्ते आप कुछ एक्शन लीजिए। इसके वास्ते बहुत जुल्म हो जा रहा गरीबों पर। अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से ये चाह रहे हैं फाइनेंसर वालों को पकड़िए, या फाइनेंसर वालों से जुल्म हटाइए बच्चों पे। आज हमारे घर का बच्चा गया, कल दूसरों के घर का बच्चा भी जाता है, जुल्म इतना हो जा रहा है, कुछ के लिए कुछ एक्शन दीजिए आप लोग। वो लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में जो है सो बाबा बाजेक जो है सो फाइनेंसर दिए हुआ है, उन्होंने जो है सो मेरे को जुल्म कर रहे ना, बाबा के घर पर रहे तो आ जा रहे, जो ससुराल में रह रहे उन्होंने तो वहाँ पर भी जाके जो है सो उनके साले उनसे बात कर रहे हैं कि साहब पैसे लिए हुए अली मियाँ, अली मस्कती जो है सो पैसे नहीं दे रहे मेरे को, पैसे दो 80,000 रुपये देना है बोल के जुल्म कर रहे हैं उनको। वहाँ जाके लिए थे 30,000, लिए थे 30,000 रुपये बोले थे मरूम, जब जिंदा थे वतीज बोले थे मेरे को 30,000 रुपये दिया, मैं उसमें कितने इंटरेस्ट बन रहा हूँ कमा रहे हैं सो पूरा पैसा नू वही दार रहे। आखिर ये कब तक चलेगा ये फाइनेंसरों का जुल्म? ये कमिश्नर साहब से मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि ये फाइनेंसरों का कुछ एक्शन लीजिए आप। बीबी फोन दे रहा हूँ।